दाद देनी पड़ेगी खंडेराव की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो खंडेराव निकले महल से, अपने वाड़े से निकलते हैं अहल्या से झगड़ा करके, उसको ये बात बोल के कि मुझे जिस चीज का नशा है वो वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। और पीछे पीछे कौन जाता है? अहल्या। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मैंने क्यों कहा कि दाद देनी पड़ेगी खंडेराव की, वो इसलिए क्योंकि एक तो उनकी जो नीति थी, जो तैयारी करके वो गए थे उस मुहिम के लिए तारापुर के लिए, वो तैयारी बहुत ही बढ़िया वाली थी। और उसके बाद जो उनके दिमाग में चल रहा था, खंडेराव 7 साल बाद वापस आए हैं और बहुत ही सक्षम योद्धा बन के वापिस आए हैं। और अब जब वो कोई भी मुहिम कर रहे हैं, पहली मुहिम वो कर रहे हैं अपने तौर पे, अपने दम पे, उस मुहिम में वो किसी को भी शामिल नहीं करना चाहते हैं, और अब खास करके अहिल्या को भी, क्योंकि अहिल्या के सामने उनकी पहले छवि जो है एक ऐसी बन चुकी है जिसमें वो बार बार इसी चीज को लेकर परेशान रहते हैं कि खंडेराव जो है शराब पीते हैं। दूसरा, अहिल्या जो है वो बहुत ज्यादा बाबा साहेब से इन्फ्लुएंस्ड है, वो कोई और तरीका नहीं समझ पाएगी जो खंडेराव कर रहे हैं तारापुर मुहिम को जीतने के लिए, क्योंकि उनकी योजना एक यंगस्टर की योजना है जो बहुत ही अलग तरीके से है, जो हम देखेंगे, हमने अभी देखी नहीं है मगर लग रहा है ऐसे एक डिफरेंट तरीके से वो किले को फतेह करेंगे, क्योंकि जो सेना और जो तैयारियां चल रही हैं वाड़े में, जो मल्हार राव के जो मालवा में तैयारियां चल रही सेना के साथ उस किले को जीतने की, वो खंडेराव अपने कुछ साथियों के साथ जीतेंगे। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी योजना होगी जिसमें बहुत ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना होगा ताकि छोटी सी छोटी बात भी लीक ना हो जाए। और इस बात का इशारा भी मिलता है दोस्तों इस चीज से कि खंडेराव को वाड़े के अंदर के लोगों पर विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने किसी से भी इस बात की भनक नहीं पड़ने दी। अहिल्या जो बचपन में उनके साथ हर मुहिम में शामिल थी, चाहे वो रात को जाना हो, जो उन्होंने देखा था जाके, उन्होंने वो पेपर चुराए थे, वो सब किया था, तो अहिल्या को हर चीज का पता था। वो पहले बचपन में हमने देखा था कि उसको तिलक करके अपना तलवार देके भेजती है, वो सारी चीजें करती है वो, मगर अब इस मुहिम पे उन्होंने उसको भी शामिल नहीं किया। शामिल नहीं करना तो अलग बात है, अहिल्या ने पीछा करने की कोशिश की, तो खंडेराव की तैयारी इतनी शानदार थी कि उनको पता था कि अहिल्या क्या करेगी। अब मैं ऐसे निकला हूं और वो जानना चाहती कि मैं कहां जा रहा हूं, तो अब अहिल्या ने जो ठान लिया है वो तो करेगी ही करेगी, तो वो पीछे आती है। अब खंडेराव ने जो ठान लिया है, अब क्योंकि अब तो खंडेराव पूरी तरह से तैयार है, तो उन्होंने जो ठान लिया है कि ये बात किसी के कान पे नहीं पड़ेगी, वो मुझे अकेले ही करना है, अपने कुछ साथियों के साथ वो नहीं पड़ेगी, इसलिए वो भनक जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि अहिल्या पीछे आ रही है बिना पीछे देखे, तो वो जो तैयारी से गए थे उसी तैयारी में गुलाल फेंक देते हैं पीछे। तो मजा आ गया देख के दोस्तों कि गुलाल फेंक देते हैं और एक पूरा का पूरा जो है विजन जो है धुंधला जाता है, और अहिल्या को पता नहीं चलता है कि खंडेराव किधर चले गए। तो फिर वो समझ आते कि ये मुझे नहीं बताना चाहते कि ये कहां गए हैं, इसलिए इन्होंने ये किया है। तो जोड़ी तो बहुत अच्छी है अहिल्या और खंडेराव की, एक दूसरे को बहुत ज्यादा समझते हैं, और ये जो खंडेराव की तैयारी है जीत की, उससे मैं बहुत इंप्रेस हूं, क्योंकि मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कि अगर वो, जैसे हमने देखा है पहले कितनी योजनाएं बनी, बाबा साहिब ने बनाई, जो भी हुआ था मल्हार राव और जो भी बात करते थे, वो जासूस जो है जगह जगह जो है वो सुन लेते थे और फिर बात जो है वो बेकार हो जाती थी, मगर अब इस बात की खंडेराव के अलावा प्रेक्षित को पता है और किसी को महल में पता ही नहीं है कि खंडेराव क्या कर रहे हैं। तो ये तो दाद देने वाली बात बनती है ना दोस्तों, बाकी चीजें तो अपनी जगह चल रही हैं, उनको कभी ना कभी विन कर लेंगे, मगर ये जो क्वालिटी है खंडेराव की, इसकी तो तारीफ करनी बनती ही बनती है। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.